एक कुछ दूसरी बात कहते हैं, दूसरे कुछ दूसरी बात करते हैं, उसमें हम अपने 29 साल के एक्सपीरियंस को निचोड़ कर रख सकें ताकि विद्यार्थियों को बहुत अच्छा कंटेंट इस चैनल पे मिले और वो आगे अपनी तैयारी को बढ़ा सकें। उसका मकसद सिर्फ नॉलेज देना नहीं है, बल्कि उसको पढ़ते पढ़ते एक कैंडिडेट का ट्रांसफॉर्मेशन है कि एक आम नागरिक से या आम व्यक्ति से आप एडमिनिस्ट्रेटर कैसे बन जाओगे अपनी सोच से। इस दौरान 29 साल में लगभग 5000 IAS IPS इस संस्था से सेलेक्ट हो चुके हैं। इस पर फोकस किया है कि कैसे स्मार्ट प्रिपरेशन किया जाए और कम समय में स्टूडेंट अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते। हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर फिलोलॉजी यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग आ चुके हैं रविंद्र भवन में, आर ब्लॉक के पास पड़ता है रविंद्र भवन, और यहाँ पे सक्सेस गुरु ए के मिश्रा सर आए हैं और चाणक्य IAS का 29 ईयर ऑफ एक्सीलेंस का प्रोग्राम होने वाला है। और यहाँ पे जो दो टॉपर बच्चे हैं CSE 2021 के, वो भी लोग आए हैं। सर से बात करेंगे कि ये इवेंट हो रहा है वो इसका मेन पर्पस क्या है। तो आप लोग हमारे इस वीडियो में बने और देखें हमारा ये वीडियो। आज चाणक्य IAS अकेडमी की ओर से पटना के रविंद्र भवन में हमने आज एक मोटिवेशनल प्रोग्राम स्पेशली UPSC और BPSC को ध्यान में रखते हुए रखा है। दो सेलेक्टेड कैंडिडेट टॉपर्स भी UPSC में इस बार के आए हुए हैं, अभिजीत रे और अखिलेश झा। तो हम मिल करके स्टूडेंट्स को हमने ये कोशिश की है कि हम उनको वो स्ट्रैटेजी समझाएं जो उनके संघर्ष करना सीखें कि अटेम्प्ट को कन्वर्ट करके सक्सेस में कैसे लाएं। और इससे रिलेटेड जो मोटिवेशन के साथ साथ हमने बेसिकली इस पर फोकस किया है कि कैसे स्मार्ट प्रिपरेशन किया जाए और कम समय में स्टूडेंट अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। इस तैयारी का जो बेसिक मूल मंत्र है सिविल सर्विसेज का, वो ये है कि सबसे पहले लोग अपने सिलेबस उसको डिकोड करना सीखें, क्योंकि UPSC सिलेबस बहुत रिसर्च करके बनाती है और उसका मकसद सिर्फ नॉलेज देना नहीं है, बल्कि उसको पढ़ते पढ़ते एक कैंडिडेट का ट्रांसफॉर्मेशन है कि एक आम नागरिक से या आम व्यक्ति से आप एडमिनिस्ट्रेटर कैसे बन जाओगे अपनी सोच से। मोस्टली स्टूडेंट से गलती होती है कि वो सिलेबस को ध्यान से नहीं देख, तो उसको डिकोड करना, दैट इज़ फॉर पहला स्टेप, खुद हाथ से लिख करके समझ करके अंडर ए गाइडेंस। दूसरा इंपॉर्टेंट है पिछले 10 साल के क्वेश्चन को समझना कि क्या ट्रेंड और कैसे क्वेश्चन चल रहा है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टडी रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करना कि आप अपने, ऐसा नहीं कि रैंडम किताबों के जंगल में खो जाएं। नॉर्मली स्टूडेंट से गलती हो, IAS के नाम के तैयारी पर कई चीज़ें फ्री प्रोग्राम देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं या रैंडम चीज़ों को देख कर रहे हैं, तो उसे भटका हो जाता है। और एक स्मार्ट टाइम मैनेजमेंट के साथ में प्रैक्टिकल एक्शन प्लान बना करके पूरी कमिटमेंट के साथ, एक कैंडिडेट जिसको मैं कहता हूँ कि 10 आवर्स मल्टीप्लाइड बाई 10 मंथ्स का फार्मूला कमिटमेंट के साथ कोई कैंडिडेट लगा सके तो अपने पहले अटेम्प्ट में अच्छे रैंक के साथ सक्सेस की उम्मीद कर सकते हैं। मैं AK मिश्रा हूँ, चाणक्य SV का फाउंडर चेयरमैन हूँ और एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। एज ए मैटर ऑफ मिशन मैं पूरे इंडिया में लगातार स्टूडेंट को, यूथ को मोटिवेट करना सिविल सर्विस के अवेयरनेस के लिए लगातार ट्रैवल करता रहा हूँ। ओरिजिनली मैं अनडिवाइडेड बिहार से हूँ, आज हजारीबाग झारखंड में है, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। सक्सेस गुरु AK मिश्रा का ये कार्यक्रम वस्तुतः उनके जीवन में प्राप्त अनुभवों, सिविल सेवा परीक्षा के संदर्भ में अनुभवों को एक जगह लाकर विद्यार्थियों को सटीक तरीके से तैयारी करने की रणनीति के रूप में ये कार्यक्रम का आयोजन होता है। वस्तुतः चाणक्य IAS अकेडमी की स्थापना सक्सेस गुरु AK मिश्रा सर ने 1993 में की और आज लगभग 16 राज्यों में 28 सेंटरों के साथ चाणक्य IAS अकेडमी इस देश की सबसे बड़ी संस्था बनी। इस दौरान 29 साल में लगभग 5000 IAS IPS इस संस्था से सेलेक्ट हो चुके हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में सिलेक्शन हमारा 5000 है और हजारों अन्य विद्यार्थी राज्य के सिविल सेवा परीक्षा में चयनित हुए हैं। तो ये जो हजारों विद्यार्थियों का सिलेक्शन है चाणक्य IAS अकेडमी में ने जो उन्हें गाइडेंस दिया, उन सबों को आप कह सकते हैं कि निचोड़ के सक्सेस गुरु AK मिश्रा सर इस कार्यक्रम में रखते हैं ताकि विद्यार्थियों को अपने इनिशियल स्टेज में जब वो तैयारी शुरू कर रहा हो उस समय से ही उनको बिल्कुल राइट गाइडेंस मिल सके और वो अपने पहले अटेम्प्ट में ही इस परीक्षा में सक्सेसफुल हो जाएं, सफल हो जाएं। सक्सेस गुरु AK मिश्रा सर ने 1993 में जब इस संस्था की स्थापना की तो उन्होंने देखा कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करने के लिए लोग मेट्रो सिटीज़ की तरफ भाग रहे हैं और
राज्य स्तर पर वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही है विद्यार्थियों को जो मेट्रोज में उपलब्ध है। मैं चाणक्य IAS एकेडमी को उस लेवल तक ले जाने की कोशिश करूंगा जिसमें चाणक्य IAS एकेडमी के ब्रांच प्रत्येक स्टेट में, प्रत्येक बड़े शहर में हो, ताकि और वो ब्रांच उन्हीं सुविधाओं के साथ लैस हो जो हमारे दिल्ली में ब्रांच है, ताकि विद्यार्थियों को अनायास बेमन से सिर्फ तैयारी करने के लिए बड़े शहरों की तरफ ना जाना पड़े और उनके घर में ही वो तमाम सुविधाएं विकसित करके देने की कोशिश सक्सेस गुरु AK मिश्रा सर के मार्गदर्शन में प्रारंभ हुई। इसी कड़ी में 2013 में पटना में चाणक्य IAS एकेडमी की स्थापना हुई और पिछले 10 वर्षों में चाणक्य IAS एकेडमी पटना ब्रांच ने बड़े व्यापक पैमाने पर सिलेक्शन दिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में और BPSC में। आज जो इस कार्यक्रम में सक्सेस गुरु AK मिश्रा सर बिहार के विद्यार्थियों के लिए एक विशेष सौगात लाए हैं वो है चाणक्य IAS एकेडमी BPSC यूट्यूब चैनल। ये फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है और हमारी कोशिश है कि वैसे विद्यार्थी जो सीधे तौर पर एकेडमी तक नहीं पहुंच पाते किन्हीं कारणों से, वो अपने घर में बैठकर भी चाणक्य IAS एकेडमी के इस चैनल के माध्यम से व्यापक पैमाने पर जुड़कर अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सके। इसलिए विद्यार्थियों से आग्रह होगा कि इसको सब्सक्राइब कर लें, चूँकि लगातार हम इस पर तैयारी की रणनीतियाँ, करेंट अफेयर्स, MCQ क्वेश्चंस, विशेष टॉपिक पर विशेष लेक्चर्स, ये तमाम सारी चीज़ें इस पर हम अप टू डे अपलोड करते रहेंगे जिससे विद्यार्थियों को व्यापक पैमाने पर लाभ होगा। हमारी YouTube चैनल 2010 से ही है जिसमें चाणक्य IAS एकेडमी हिंदी YouTube चैनल, चाणक्य IAS एकेडमी इंग्लिश YouTube चैनल, AK मिश्रा के नाम से चैनल, आज उस कड़ी में एक नया नाम जुड़ा है चाणक्य IAS एकेडमी BPSC चैनल, और ये BPSC की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के उनके लिए व्यापक पैमाने पर बनाया गया है। तो विद्यार्थियों से आग्रह है कि वैसे विद्यार्थी जो सीधे तौर पर नहीं आ पा रहे हैं उनको कम से कम इसको फॉलो करना चाहिए, और हमारी कोशिश होगी कि पोस्ट कोरोना जो ऑनलाइन की ये बाढ़ आ गई है जिसमें कि व्यापक पैमाने पर विद्यार्थी स्वयं कन्फ्यूज हैं कि आखिर करें क्या, एक कुछ दूसरी बात कहते हैं, दूसरे कुछ दूसरी बात करते हैं, उसमें हम अपने 29 साल के एक्सपीरियंस को निचोड़ कर रख सकें ताकि विद्यार्थियों को बहुत अच्छा कंटेंट इस चैनल पे मिले और वो आगे अपनी तैयारी को बढ़ा सकें। धन्यवाद।